क्या अनामिका आनंद जिंदा है और आखिरकार अम्मो ने अपनी माँ को उस हवेली में क्यों अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों आज एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज द फेम गेम की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मूवी और खासकर वेब सीरीज को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज पहले देख लीजिए, क्योंकि इसमें स्पॉइलर हो जाएंगे तो आपका मजा खराब कर देगी। तो पहले सीरीज देख लीजिए, फिर उसके बाद एंडिंग एक्सप्लेन को देखिएगा। अगर सबसे पहले बात करूं एंडिंग की, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो किडनैप हुई थी यहाँ पे अनामिका आनंद, वो मिलती है एक बीहड से हवेली में, और वहाँ ये दिखाया जाता है कि कोई उसकी मदद भी कर रही थी या कर रहा था, तो वो कौन था। जो ये ट्विस्ट एंड में खुलता है वो खुद उसकी बेटी अम्मो थी। लेकिन जब एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है पूरे फेम गेम का, कि यहाँ पे अम्मो पूछती हुई नजर आती है कि आखिरकार आप बाहर निकलेंगी तो ये सारा इल्जाम किस पे थोपेंगी, तो वो बताती हुई नजर आती है कि ये सारा इल्जाम मैं एक फैंस यानी क्रेजी फैन के ऊपर डालने वाला हूँ जिसका नाम माधव है। ये सुनकर अम्मो काफी चौंक जाती है। क्यों? क्योंकि अम्मो उससे प्यार करने लगती है और वो नहीं चाहती कि जो मम्मी का सारा इल्जाम है किडनैपिंग का वो मेरे लवर पे चला जाए। तो वो यहाँ पे एक दिमाग में प्लान बनाती है और वो बाहर निकलते समय हरिलाल को कुछ पैसे देती है और बोलती है कि आपको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन अनामिका आनंद यानी मेरी मम्मी यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और उसको यहीं पे कैद कर देती है। आखिरकार वो क्यों करती है, जो एंड में दिखाया जाता है कि वो बनना चाहती थी हीरोइन, जो कि उसके रास्ते का रोड़ा बन रही थी उसकी माँ खुद अनामिका आनंद। लेकिन एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अनामिका आनंद अपनी बेटी अम्मो को कुछ बातें सिखाती हुई नजर आती है कि एक एक्ट्रेस को क्या करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए जनता के सामने। और जो सबसे एंड में चौंकाने वाली बात बताती है कि अगर आपके गोल के बीच कोई भी आए, फिर चाहे वो कोई भी हो, तो उस रास्ते को रोड़े को हटा देना चाहिए। तो अम्मो के रास्ते का रोड़ा खुद उसकी माँ अनामिका आनंद थी, क्योंकि अगर अनामिका आनंद बाहर निकल जाती वहाँ से तो वो उसकी छत्र छाया के नीचे दबकर रह जाती और यहाँ पे उसको इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिल पाती जितनी अनामिका आनंद के बिना रहते उसको मिल पाती। और एंड में दिखाया भी जाता है जहाँ उसके पिताजी निखिल यहाँ पे एक फिल्म का अनाउंस कर देते हैं जो उसकी पहली फिल्म थी, उसके रीमेक के तौर पर उसको बनाते हैं जिसमें अपनी बेटी अम्मो को वो कास्ट कर लेते हैं, तो वो काफी खुश नजर आती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है जहाँ वो घर में जहाँ शटर में बंद थी अनामिका आनंद, वो एक रोड से शटर को तोड़ती हुई नजर आती है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे क्या अनामिका आनंद सचमुच में जिंदा है या नहीं है, तो आपको बता दूं कि वो बिल्कुल जिंदा है और सीजन 2 में हमें देखने को मिल सकती है, और वो भी बेहद ही बोल्ड तरीके से। क्यों? क्योंकि बदले की भावना उसके अंदर भरी हुई है। और सीजन 2 में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको बता दूं कि अनामिका आनंद हीरालाल की मदद से बाहर निकलती हुई नजर आएंगी और वो अपनी बेटी से बदला लेती हुई नजर आएंगी। हीरालाल उसकी मदद करते हुए नजर आएगा क्योंकि वो खुद भी उसका बहुत बड़ा प्रशंसक रहता है और वो उसके बदला लेने में उसकी मदद कर सकती है। और क्या सीजन 2 इसका आएगा या नहीं आएगा, तो ये जरूर बता दूं आपको कि माधुरी दीक्षित की ये पहली वेब सीरीज है, OTT पे डेब्यू है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, तो ये हिट तो जरूर होने वाला है। और अगर ये हिट रहा तो क्या मेकर नहीं चाहेंगे कि इसका सीजन 2 बने, तो बिल्कुल बता दूं आपको कि इसका सीजन 2 जरूर देखने को मिलेगा। ये कब मिलेगा ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि अभी कुछ अपडेट नहीं है, ना ही राइटिंग कंप्लीट हुआ है, ना ही शूटिंग हुआ है, तो कब तक आएगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन जरूर आएगा ये जरूर कन्फर्मेशन दे सकता हूँ।